महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की जो संख्या है उसके बढ़ने के साथ ही उद्धव सरकार भी एक्शन में आ गई है और महाराष्ट्र में 36 जिलों को अब लेवल 3 में डाल दिया गया, यानी कि जो जिले लेवल 1 और लेवल 2 में थे वो अब लेवल 3 में हो गए हैं। लेवल 3 में अब लॉकडाउन के नियम भी बदल दिए जाएंगे, यानी कि अब लेवल 3 में आने वाले जिलों में सारी दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही लेवल 3 के 3 जिलों में आने वाले शॉपिंग मॉल्स पर भी पाबंदी रहेगी, तय समय के बाद सिर्फ केमिस्ट की दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत होगी। कोरोना में अनलॉक की प्रक्रिया को धीमी करने पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। उदय सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन लोगों को ऐसे लगने लगा कि अभी अनलॉकिंग हो गया है तो कोरोना यहाँ से गया है, तो इसके लिए थोड़ी सी लापरवाही जो लोगों की बढ़ गई है उसी के कारण ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी में खासकर कुछ मामले सामने आए हैं, आज एक मौत भी हुई है। इस वेरिएंट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना खतरनाक है ये वेरिएंट? जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना पहली जब यहाँ पे वेव आई थी तो उस वक्त अल्फा वेरिएंट, उसके बाद में बीटा और अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा, पूरे महाराष्ट्र या पूरे दुनिया में ये ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में अभी डेल्टा प्लस जो आ गया है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी तक सिर्फ 50 के करीब ही रुग्ण उसमें पाए गए हैं, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि शायद ये अपने शरीर पे ज़्यादा जल्दी असर करेगा। सर, किस तरीके से सावधानी रख सकते हैं इसे? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ें तो सबको पता है। उसके साथ में अगर जैसे स्टीम को बताया गया है या फिर गार्गल्स बताए गए, उसके साथ में अपना खाना पीना जो है वो हल्का होना चाहिए। हम जितना भी ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हम लोग ये डेल्टा प्लस से भी बच सकते हैं। और उसके साथ में अभी ऐसे भी देखने को आया है कि अपने खाने पीने के वजह से जैसे हमें उल्टी या फिर दस्त अगर हमें शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसे हमें कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए।